नमस्कार दोस्तों, स्टडी बॉय एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टीजीटी के बारे में। टीजीटी आखिर है क्या, टीजीटी कोर्स क्या है, टीजीटी कोर्स कैसे करें, टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और टीजीटी के फायदे क्या है। दोस्तों टीजीटी से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आज आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि टीजीटी आखिर होता क्या है, टीजीटी का पूरा नाम क्या है। टीजीटी का पूरा नाम होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी कोई कोर्स नहीं है, टीजीटी एक ग्रेजुएट को दिया गया एक टाइटल है जिसने एजुकेशन में ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है। टीजीटी एक ग्रेजुएट टाइटल होता है जो उन्हें दिया जाता है। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड पूरा कर लिया है तो आप पहले से ही एक टीजीटी है। आपको टीजीटी बनने के लिए किसी भी टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी टीचर ट्रेनिंग क्लासेस 10वीं के तहत स्टूडेंट को सिखाने के लिए योग्य होते हैं। क्लास 10वीं के स्टूडेंट सहित स्टडी किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट टीजीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होता है। टीजीटी द्वारा सिखाए गए कुछ विषय के नाम जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिक, रीजनल लैंग्वेज, ये सभी हो सकते हैं। टीचर बनने के लिए टीजीटी की जरूरत होती है। ये योग्यता होने पर ही टीचर बना जा सकता है, वो भी उच्च विद्यालय तक। केवल उसके ऊपर के लिए पीजीटी की जरूरत होती है। अगर किसी को जूनियर हाई स्कूल में टीचर की नौकरी करना है तो टीजीटी एग्जाम निकालना होता है, उसके बाद ही जॉब मिलती है। टीजीटी के लिए एक एग्जाम होता है और एग्जाम को पास करने के बाद इंटरव्यू, उसके बाद ही आप अंतिम चरण तक पहुंच पाते हैं। फाइनल सिलेक्शन के बाद स्कूल का चयन करना होता है, तो फिर जाकर अंतिम चरण मिलता है। टीजीटी टीचर की इस समय नई भर्ती वाले लोगों को लगभग 45,000 से लेकर 47,000 रुपए तक के महीने का वेतन मिल रहा है। टीजीटी जूनियर हाई स्कूल की मास्टरी होती है जिनको एग्जाम देकर भर्ती हुआ जा सकता है। टीजीटी के लिए योग्यता क्या है, आइए इसे भी जानते हैं। टीजीटी की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार को बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। शिक्षक प्रमाण पत्र जैसे बीएड, बीएमएड, बीएड, एमएड या बीटीसी या कोई अन्य शिक्षक प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। टीजीटी परीक्षा का पैटर्न कैसे होता है, आइए इसे भी जानते हैं। दोस्तों टीजीटी परीक्षा का पैटर्न दो चरणों में संपन्न होता है, पहला लिखित परीक्षा और दूसरा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। पहला लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम। प्रत्येक विषय के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में कुल 125 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प होते हैं तथा अधिकतम अंक 425 नंबर के होते हैं, जिसे नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वाली चीजें नहीं होती है। इस परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए अधिकतम समय 2 घंटा दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद कैंडिडेट को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद में होता है। टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा राज्य स्तर में आयोजित की जाती है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट बीएड होना आवश्यक है और वही पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा के लिए अनिवार्य है कि ग्रेजुएट टीजीटी परीक्षा पास कर ले। यदि कैंडिडेट पीजीटी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वह 10th क्लास से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है, इसका अधिकार उन्हें मिल जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े स्टडी पॉइंट करियर के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।